देखे गुलशन जिंदगी में पा गई उनके दर की फजा। अब अब्दुल जलील भाई, अच्छा एक बात बता दूं, चलते चलते मैं जैसे गाड़ी से हिल किया ना, तो बहुत प्यार से लोग बोलता है तो जलील सेठ बोलता है, नहीं बोले जलील भाई। हाँ सुन लो, मसला बता देता हूँ, उसके बाद गुनाहगार होगे तुम। सुन लो, अल्लाह के नाम के साथ अब्द लगाना जरूरी है। जैसे अब्दुल कयूम, अब्दुल जलील, अब्दुल करीम, अब्दुल हलीम, अब्दुल रहमान, ये सब नाम अल्लाह का है। तो चाहे तेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, तुम नाम उसी हिसाब से। कौन आया? अब्दुल जलील आया। उसके बाद तुम्हारे साथ जो होता है वो करो, उससे बहस नहीं है, मगर अब्द लगाना जरूरी है, वरना गुनाहगार होगा। और जानबूझ के करोगे तो कुफर के नजदीक है। सुन लो, हाँ जी, मसला भी कभी कभी हम बयान करते हैं। हाँ, जिम्मेदार उलमाए किराम हैं, मैंने बयान कर दिया। क्या हजरत ये सही है? चलिए, उलमाए किराम ने पास कर दिया, 100% सही है। तो इस चीज का इल्म हो, इस चीज का ख्याल रखें। अब मैं एक बंद पढ़ता हूँ, जिसने माँ का दूध पिया है वो हाथ उठाए, जो डब्बा पिया है वो घर जाए। देखो कितने माँ का दूध पिया है। अब कह दे सुभान अल्लाह और जोर से, मैंने अब तक बोला नहीं है, लिहाजा जिन्होंने माँ का दूध पिया है एक एक कतरों का वास्ता है उसे, और जिसने डब्बा पिया है वो डब्बा लेके घर जाए। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा हाथ उठाए, अगर माँ जिंदा है तो उनकी उम्र की दराजगी के लिए, माँ अगर कब्र में चली गई तो उनकी मगफिरत के लिए। माँ बाप एक हाथ अपने बाप के नाम, एक हाथ अपने माँ के नाम उठाओ और कह दो सुभान अल्लाह। तेरी की धूप कोई भी साया न था, ऐसे पेचीदा माहौल में आ गई, ऐसे पेचीदा माहौल में आ गई, काम माँ की दुआ दे के दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शरे नसरत दरबारशाही, अजमते वालिदैन, नारे गुलशन जिंदगी में बाहर आ गई उनके दर की फजा। देखे देखे उनके दर की फजा। एक बार आप लोगों से भी कहें, गुलशन जिंदगी में बहार आ गई उनके दर की फजा। कोई बात नहीं, तुम देखते देखते रहिए, मैं एक बंद पढ़ने लगा हूँ, सुन लीजिए। आप तैयार हैं? बस आपके सहारे पढ़ लेता हूँ, बस आप बैठे रहो, इतना एहसान।